अब्दुल फर्स्ट एड का सामान तो ले आया है, पर अब्दुल की राय है कि डॉक्टर को दिखाना समझदारी होगी। भाई माना, मैडम ने बड़ी ही बहादुरी से आपको रिहा करवाया। खुद इंस्पेक्टर साहब ने मैडम की तारीफों के पहाड़ खड़े कर दिए। सर, बहादुर होना और डॉक्टर होने में फर्क है ना? अब्दुल साहब, आनंदी मेरा ध्यान एक डॉक्टर से बेहतर रख सकती है, और आपसे गुजारिश है, कश्मीर इतना खूबसूरत शहर है, कहाँ मौका मिलता होगा आपको अपनी बीवी का गाइड बनकर उन्हें कश्मीर घुमाने का। आप एक काम कीजिए, आज के दिन आप अपनी बीवी को कश्मीर घुमाइए और हमें हमारे हनीमून पर कुछ देर अकेले रहने दीजिए। आपने हमारी इतनी मदद की है अब्दुल भाई, तो बदले में हम आपको एक दिन की छुट्टी दे रहे हैं। तो ऐसा कहिए ना जनाब, एक हिदायत दें, जो बात कम लफ्जों में कही जा सके उसे लंबा मत खींचा कीजिए। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। दर्द हो रहा है शेफ। एक्चुअली आनंदी, ये सारी चोटें मुझे तब लगी जब मैं उन लोगों की कैद से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। तभी तो इतना दर्द का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तो इससे भी बड़ा दर्द झेल रहा था मैं, आपसे जुदाई का दर्द। लेकिन अब जो आप मेरे पास हैं, तो ये सारे दर्द फिर से पनप रहे हैं। इससे कहीं ज्यादा दर्द मुझे हुआ है शिव। वादा कीजिए कि जिंदगी में अब कभी दोबारा मुझे ऐसा दर्द नहीं देंगे आप। कहते हैं इंसान को अपनी जिंदगी सबसे प्यारी होती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, जब उन लोगों ने मुझे किडनैप किया तो मुझे अपनी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस आपकी, कि आप पर क्या गुजर रही होगी, कितनी तकलीफ हो रही होगी आपको। और जो इंसान आपसे इतना प्यार करता है, वो तो आपको कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकता। सच कहूं शे, 24 घंटे मुझे आपके और करीब ले आए हैं। प्यार और रिश्ता अब दोनों ही बहुत गहरे हो गए हैं। आनंदी एक बात बताइए, आपने ये सब मैनेज कैसे किया? आई मीन, आप तो पहले से मुझसे इतना प्यार करती हैं, और अब उससे भी कह रहा। क्या हुआ शिफ? आनंदी वो पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, चोट लग गई। आनंदी आप एक काम करेंगे प्लीज, आप प्लीज मेरी बैक पे मसाज कर दीजिए ना, मैं शर्ट उतारता हूँ। एक मिनट शिफ, मैं ना अब्दुल भाई से कहकर डॉक्टर को बुला लेती हूँ। आपको तकलीफ हो रही है ना, मुझे लगता है आपको एक इंजेक्शन ले लेना चाहिए। इंजेक्शन? नहीं आनंदी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आई एम फीलिंग बेटर, ठीक हो गया लगता है। हाँ बिल्कुल गया। पक्का? हाँ। आनंदी एक बात बताइए, जब मैं लापता हुआ था तो आपके मन में नहीं आया कि आप घर वालों को बताएं, या तत्तू और पापा की मदद लूं?
ये ख्याल मेरे मन में भी आया था शिव, पर फिर मैंने सोचा कि इतनी दूर वहां बैठे सब बहुत चिंता करेंगे, जब तक यहां पहुंच नहीं जाते सबकी जान गले में अटकी रहती, इसलिए मैंने फैसला किया मैं अकेले ही ढूंढूंगी आपको। और मान लीजिए कि आप मुझे ढूंढ नहीं पाती तो, या मुझ तक पहुंचने में आपको थोड़ी देर हो जाती तो, वो लोग तो मेरी, मैं तो खत्म ही हो जाती शे। आपका फोन दे दीजिए, आप बस यूं ही मुझे देखती रही। अबे ओ नालायक, क्या है ये हैं? बीवी के आगे दद्दू और बाकी सबको भूल गया है। दद्दू आप कैसे, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे सही तो कह रहा हूँ, फोन नहीं तो कम से कम एसएमएस तो कर देता हैं? दद्दू मैं आपको फोन करने वाला था, पर वो बात यूं है कि हम ऐसा कौन से काम में बिजी हो रखा है तू? दद्दू एक काम कीजिए, आप अपनी बहू से ही बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि मैंने फोन क्यों नहीं किया। तू दद्दू खुश रहे बेटी, खुश रहे। हद हो गई बेटी हैं? तुम दोनों तो एक दूसरे में पूरी तरह खो गए हो। भैरव सिंह जी ने भी फोन किया था, उनके फोन का भी जवाब नहीं दिया, ऐसे कैसे चलेगा नंदी? नहीं दद्दू ऐसा नहीं है, वो हुआ ये कि कम ऑन सीरियस मत हो। मेरे घर ना जन्मी तो क्या हुआ, विश्वास तो बाप वाला ही पाएगी मुझसे। मैं तो बल्कि बहुत खुश हूं कि तुम दोनों इतना एंजॉय कर रहे हो। खुश रहो ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, रखता हूं। हाँ जी दादू। गुड मॉर्निंग दादी जी। हजारों साल की उम्र देवें तने भगवान, कैसे हो तुम दोनों? इतने खुश की आपको बता भी नहीं सकते। एक मिनट दीजिए, आनंदी से बात कीजिए। धोप दो दादी सा। सुखी रखे भगवान। और कैसो लागे वहां पे हैं? बहुत अच्छा दादी सा, इतनी प्यारी जगह है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। जब वापस आकर सारी तस्वीरें दिखाऊंगी ना तब आपको पता चलेगा। मैं तो कहती हूँ दादी सा कि हम सबको भी यहाँ आना चाहिए, अगर एक बार आप यहाँ आ गए ना तो यहाँ से वापस जाने का सोचेंगे भी नहीं। रे जे थारी माँ भी जही खड़ी है हमारे मत्थे पे, इसे ना दियो तो मत्थे पे चढ़ के ही बैठ जावेगी। बिल्कुल देखो कैसी है तू लाडो। माँ एक सुहागन के रूप में बहुत खुश हूं मैं, ईश्वर करे तो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। बहुत संतोष हुआ ये जानकर लाडो कि तुम दोनों खुश हो, वरना बहुत चिंता रहती है तेरी। कल रात को बहुत डरावना सपना देखा मैंने आनंदी, मैंने देखा कि तू कुछ ढूंढ रही है, भाग रही है यहां वहां, मन बहुत घबरा रहा था। तू ठीक है ना? नहीं माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बस इससे अच्छी बात और कुछ ना हो सकती है कि तू ठीक है, खुश है। सुमित्रा लाडो मैं बाद में फोन करती हूँ तुझे, रखती हूँ अभी। ठीक है माँ।